एवरीवन, आई एम रुंटी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ मेरी एक सिंपल वीकली हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। कुछ दिन से इस वीडियो के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि दी आप एक सिंपल सा हेयर केयर रूटीन बना दो, हम हॉस्टल में रहते हैं, ज़्यादा DIY रेमेडीज यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने कामों में, स्टडीज़ में, और अपना हेयर केयर डेली बेसिस में नहीं कर सकते हैं। आपको इस रूटीन को बस वीक में 2 दिन फॉलो करने हैं, बहुत ही सिंपल है, आइए देख लेते हैं। गाइस, मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूड का कैरेट सीड हेयर ऑयल। मैं इस प्रोडक्ट का वेट काफ़ी टाइम से कर रही थी क्योंकि मैं घर में DIY कैरेट सीड ऑयल बना के यूज़ करती थी, वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो बनाना बहुत मुश्किल है। और ये जो ऑयल है ये मैंने यूज़ किया खुद और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको इसमें एक नोट मिलेगा जिसमें कैरेट सीड की बेनिफिट और कैसे इस ऑयल को यूज़ करना है सब कुछ लिखा होगा। इस ऑयल में है कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट जो कि बालों के लिए अमेजिंग होता है। इसमें है विटामिन ए जो कि बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, और साथ ही में इसमें है अल्फा बीटा गामा कैरोटीन एंड कैरोटीनॉइड्स जो कि बालों को स्मूथ शाइनिंग बनाता है। और जो अल्ट्रावायलेट रे है, विंटर में हम ज़्यादातर धूप में बैठे रहते हैं तो हमारे बालों में ये इफ़ेक्ट करता है। अगर हम इस ऑयल को यूज़ करते हैं तो अल्ट्रावायलेट रे एंड पॉल्यूशन से ये बालों को प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम है तो आप इस ऑयल को ज़रूर यूज़ करना क्योंकि ये डैंड्रफ को कम करने में हेल्प करता है। इसको आपको अपने पूरे स्कैल्प में यूज़ करना है और आप चाहे तो पूरे हेयर पे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही लाइट ऑयल है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। आप इसे वीक में 3 दिन यूज़ कीजिए और ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप जिस दिन हेयर वॉश करेंगे उससे 1 से 2 घंटा पहले इस ऑयल को अपने पूरे हेयर पे अप्लाई कर लीजिए, फिर आप जैसे अपने शैम्पू से वॉश करते हैं इसको वॉश कर दीजिए। अगर आपके बालों में जल्दी जल्दी स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, हेयर बहुत ज़्यादा रफ बेजान है, तो आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा। इस ऑयल को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप आराम से वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे सेकेंड स्टेप। यहाँ हम अपने बालों पे शैम्पू वॉश करेंगे। मैं आपको कोई हेयर पैक नहीं बताऊंगी जो आपको अपने स्कैल्प में लगाना है, ये बस शैम्पू है। मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ सिंपल। अगर आपके पास प्लांट एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं और अपना फेवरेट शैम्पू इसमें ऐड कर दीजिए। मैं जो शैम्पू यूज़ कर रही हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे अपने पूरे बालों पे अप्लाई कर लीजिए। हमने शैम्पू के साथ में एलोवेरा मिक्स किया है जो हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा और बालों को सिल्की, शाइनी और स्मूथ भी बनाएगा। हमें बाहर से कंडीशनर या फिर कोई हेयर मास्क, हेयर स्पा करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये बालों को ब्यूटीफुल रखेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इफेक्टिव टिप्स के साथ। बाय बाय।